हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आप देख रहे हैं परचम क्लासेस और आज हम डिस्कस कर रहे हैं 18th ऑफ मार्च के करेंट अफेयर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे आज का इम्पॉर्टेंट डे। तो 18th ऑफ मार्च में, मतलब आज के दिन ही, 1802 में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में प्रोडक्शन की शुरुआत होती है कोलकाता में या कैलकाटा में। तो आज के दिन हम जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे के रूप में मनाते हैं। तो 18 मार्च को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे के रूप में मनाया जाता है। ये आज का इम्पॉर्टेंट डे था। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स के बारे में। इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। फिर आज हम कुछ डिफेंस रिलेटेड और कुछ फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़ को समझेंगे। अब लोकसभा और राज्यसभा के सेशन भी चल रहे हैं, उनमें सुनवाई हो रही है, कई सारे बिल रखे जा रहे हैं और रिटर्न में स्टेटमेंट क्वेश्चन आंसर भी दिए जा रहे हैं। तो उन पे भी हम चर्चा करेंगे कौन कौन सी जो स्कीम है वो चर्चा में है या कौन से बिल जो हैं वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, उन पे भी आज हमें चर्चा करनी है। वीडियो के लास्ट में आपको हेडलाइंस मिलेंगी, तो हेडलाइंस की मदद से आप बहुत अच्छे नोट्स बना सकते हैं। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और टेलीग्राम से आप करेंट अफेयर्स का PDF ले सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम में आपको करेंट अफेयर्स का PDF मिल जाता है। ओके, इतनी चीज़ें। अच्छा, वीडियो के लास्ट में आपको रिवीजन क्वेश्चन भी मिलेंगे और क्वेश्चन ऑफ द डे होगा। तो क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जो है आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे और सही आंसर भी मैं आपको वहीं पर रिप्लाई कर दूंगी। क्लियर इतनी चीज़ें। चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कुछ पर्सन्स के बारे में और हम बात करेंगे, ये अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बात कर रहे हैं TCS के नए CEO के बारे में। और TCS आपको सभी को पता है काफ़ी बड़ी कंपनी है, IT सेक्टर में काफ़ी काम करती है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और आपके तो कई सारे एग्ज़ाम भी TCS कंडक्ट कराती है, राइट। तो TCS अपॉइंट्स के कीर्ति वसन एज अ CEO। तो TCS के द्वारा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के द्वारा, के कीर्ति भासन को जो है वो CEO के रूप में, MD और CEO के रूप में चुना गया है। ठीक है, और इनका जो टेन्योर है, इनका जो कार्यभार है वो 16 मार्च से शुरू हुआ है। 16th of March 2023 से इनका टेन्योर शुरू हुआ है। इन्होंने राजेश गोपीनाथन को रिप्लेस किया है जिन्होंने कुछ समय पहले रिज़ाइन कर दिया था, इस्तीफ़ा दे दिया था। ठीक है ना, गोपीनाथन के 6 साल कंप्लीट हो गए थे और इनके टेन्योर को 2027 तक एक्सटेंड किया गया था, लेकिन उसके पहले ही इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। अगर मैं आपको के कृति वासन के बारे में बताऊं तो ये जो है वो एज अ प्रेसिडेंट ग्लोबल हेड ऑफ BFSI बिजनेस ग्रुप TCS में काम कर चुके हैं और अब इन्हें TCS का CEO और MD के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो ये अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस अपॉइंटमेंट के बारे में याद रखेंगे। चलिए अगली अपॉइंटमेंट बात करेंगे यूको बैंक की। कहाँ की? यूको बैंक। तो यूको बैंक के भी नए MD अपॉइंट किए गए हैं। कौन? अश्विनी कुमार। एक्चुअली FSIB फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, इनके द्वारा रिकमेंडेशन दिया गया है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंडियन बैंक अश्विनी कुमार को MD बनाया जाए यूको बैंक का। क्लियर, मतलब इसका ये मतलब हुआ कि अश्विनी कुमार अभी जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इंडियन बैंक में और इन्हें MD बनाने की बात हो रही है यूको बैंक में। अच्छा, यहाँ पे जो रिकमेंडेशन दिया है वो किसने दिया है? FSIB ने दिया है। FSIB मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो होता है और इसके हेड जो है वो भानु प्रताप शर्मा है। और ये लोग जो रिकमेंडेशन देते हैं ना, वो जो हमारी कैबिनेट मीटिंग होती है ना, उसके अप्रूवल के बाद ही रिकमेंडेशन देते हैं। इसका मतलब आप समझिए कि कंफर्म है ये अपॉइंटमेंट होकर रहेगी। ठीक है, तो इंडियन बैंक में काम करने से पहले ये चीफ जनरल मैनेजर मुंबई जोन ऑफ पंजाब नेशनल बैंक में भी काम कर चुके हैं। अच्छा, ये सोमा शंकर प्रसाद को रिप्लेस करेंगे। सोमा शंकर प्रसाद जी का जो टेन्योर है वो 31st of May को ख़त्म होने वाला है। तो यूको बैंक के नए MD कौन होंगे? अश्विनी कुमार होंगे। ठीक है, चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं जिनका नाम है अनूप बागची। ये जो दिख रहा है ये कौन है? अनूप बागची हैं। इन्हें ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का हेड बनाया गया है। प्रेजेंटली ये ICICI बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे अनूप बागची, और इन्हें ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का CEO के रूप में चुना गया है। और इनकी जो नियुक्ति है वो June 19, 2023 से इफेक्ट में आएगी। मतलब जून 19 से जो है वो CEO कौन हो जाएंगे ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के? तो अनूप बागची हो जाएंगे। ये NS कन्हन को रिप्लेस करने का काम करेंगे। क्लियर, चलिए अगली अपॉइंटमेंट देखते हैं और आज की लास्ट अपॉइंटमेंट है ये। हम बात कर रहे हैं KR पार्वती के बारे में। ये जो दिख रही है KR पार्वती है, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं। उनके द्वारा इंडिया की
इंडिया की केआर पार्वती को यूएन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर तजाकिस्तान में अपॉइंट किया है। यूनाइटेड नेशन के रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में तजाकिस्तान में इन्हें अपॉइंट किया है। इसके पहले इन्होंने एज अ लीडिंग रोल में काम किया था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में टर्की और अफगानिस्तान में। इन्हें 30 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस और उन्होंने कई सारे सेक्टर में अपनी सेवाएँ दी हैं। बेसिकली जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट के जो आपके कैंपेंस रन होते हैं उस सेक्टर में उन्होंने काम किया है, प्लानिंग परफॉर्मेंस रिस्क मैनेजमेंट में इन्होंने काम किया है। इसलिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल के द्वारा एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा इन्हें यूएन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर तजाकिस्तान में अपॉइंट किया है। तो इंडिया की हैं ये केआर पार्वती, इनका नाम आपको याद रखना है। तो टोटल 4 व्यक्ति हमने देखे हैं जो आज न्यूज़ में थे। आइए अब हम कुछ और न्यूज़ पर डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, बेंगलुरु रिसीव हेल्दी सिटी अवार्ड फॉर स्मोकिंग लॉ। अब रिसेंटली लंदन समिट में यहाँ पे कुछ अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, तो यहाँ पर बेंगलुरु को भी अवार्ड दिया गया है। बेंगलुरु वॉज अवार्डेड फॉर इट्स एफर्ट इन टबैको कंट्रोल, स्पेशली रिड्यूसिंग स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेज एंड इम्प्रूविंग कंप्लाइंसेज विद एग्जिस्टिंग मैंडेट ऑन पब्लिक स्मोकिंग बैन। तो इस बेंगलुरु सिटी ने क्या किया है, टबैको कंट्रोल के सेक्टर में काम किया है और जो लोग स्मोकिंग करते हैं पब्लिक प्लेसेस में तो उनके लिए भी गाइडलाइंस जारी की, लोगों को फाइन लगाना शुरू किया, पोस्टर और बैनर जगह जगह पे लगाए जिससे पब्लिक प्लेसेस में लोग स्मोकिंग ना करें। तो उस सेक्टर में इन्होंने काम किया है, इसलिए बेंगलुरु सिटी को पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटी अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। इसके अंतर्गत यहाँ पर $15 लाख जो है वो कैश प्राइज मनी दी जाती है कि आपने स्मोकिंग फ्री लॉ बनाया और अच्छे से उनको एग्जीक्यूट भी किया है। यहाँ पर बताया गया है कि बेंगलुरु ने स्मोक फ्री बेंगलुरु बनाने के लिए जो है पब्लिक प्लेसेस में जो स्मोकिंग हुई है वो रिड्यूस हुई है। पब्लिक प्लेसेस में पहले 18.2% लोग जो हैं वो स्मोकिंग करते थे, अब इनकी संख्या 2021 में 13% हो गई है। इसके अलावा इन्होंने नो स्मोकिंग के साइन भी कंट्री में अलग अलग जगह लगाए हैं और इनकी संख्या भी इंक्रीज की है लगभग 75%। ठीक है, इसलिए यहाँ पर यह अवार्ड इन्हें दिया गया है। अब ये बेंगलुरु सिटी पहली ऐसी सिटी नहीं है या एकमात्र ऐसा शहर नहीं है जिसने अच्छा काम किया और जिनको अवार्ड मिला। इसके साथ कई सारे देशों ने भी अवार्ड को शेयर किया है। कौन कौन सी वो सिटी हैं आइए हम देख लेते हैं। एथेंस ग्रीस में, बेंगलुरु इंडिया की, मैक्सिको सिटी मैक्सिको में, फिर है मॉन्टेविडियो, ये आपका उरुग्वे में मिल जाएगा, और बैंक्यूबर। तो बैंक्यूबर आपको कहाँ पे मिलेगा, कनाडा में मिलेगा। तो इन सभी लोगों ने इस अवार्ड को अपने साथ, मतलब इन सभी शहरों को ये अवार्ड मिला है। पार्टनरशिप फॉर द हेल्थ सिटी समिट लंदन में इन्हें अवार्ड मिला है अपने एरिया में टबैको को कंट्रोल करने के लिए और इस पब्लिक जो प्लेसेस हैं उनको स्मोकिंग फ्री करने के लिए। क्लियर, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिएगा जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई आप लोगों ने आई होप कभी तो देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो आप एक बार ओपन करके ज़रूर देखिए लीजिएगा। कई बार ऐसा लगता है कि मछली बाजार है लेकिन कई बार थोड़ा सुनने में अच्छा भी लगता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो मंत्री होते हैं ना, मंत्रियों से क्वेश्चन आवर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चन के आंसर जो है वो रिटर्न में दिए जाते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हमारे अगर हम बात करें यूनियन मिनिस्टर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड पावर कौन है, ये आर के सिंह है। अगर हमें क्वेश्चन पूछना है किसी एमपी को क्वेश्चन पूछना है आर के सिंह से, बताओ आपने रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में क्या काम किया या हमारे देश की रिन्यूएबल एनर्जी में कितनी वृद्धि हुई है, आपने कौन कौन सी स्कीम जो है रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम की इंट्रोड्यूस की हैं, तो इनको लिखित में आंसर करना पड़ेगा सभी एमपीज को, राइट। तो यहाँ पर इनका आंसर आया है, उसी आंसर पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। सो सोलर एनर्जी कैपेसिटी ट्रिपल्ड इन लास्ट 5 ईयर फ्रॉम 21,000 टू 64,380 मेगावाट। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड पावर आर के सिंह ने लोकसभा को इन्फॉर्म किया कि हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब हमारी जो सोलर एनर्जी है वो पिछले 5 सालों में ट्रिपल हो गई है, मतलब 3 गुना हो गई है। 3 साल पहले जो रिन्यूएबल एनर्जी हमारे पास थी जो हम जनरेट कर रहे थे वो 21,651 मेगावाट की थी, हमने लगभग 197% इंक्रीमेंट किया है लास्ट 5 ईयर्स में, और आज हमारे देश में जो सोलर कैपेसिटी है वो 64,380 मेगावाट की हो गई है, जो कि हमें मदद करेगी 2030 तक हमारा जो टारगेट है कि 500 गीगावाट हम रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करें, तो उस टारगेट को अचीव करने में ये हमारी मदद करेगी। इसके अलावा हमने कई सारी स्कीम भी लॉन्च की है, ये बात भी इन्होंने बताई। इन्होंने अपने रिटर्न डॉक्यूमेंट में कुसुम स्कीम के बारे में भी चर्चा की। इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि जो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम है, मतलब कोई राज्य विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी जनरेट कर रहा है और किसी दूसरे राज्य में उन एनर्जी को ट्रांसमिट करने का काम कर रहा है, तो 2025 तक हमने इन्हें
टैक्स फ्री किया है, मतलब हम इनसे कोई भी पैसा नहीं लेते हैं इंटर स्टेट ट्रांसमिशन करने के लिए। ये बात भी इन्होंने बताई है, जिससे हम रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में और भी ज़्यादा काम कर सकें। क्लियर, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पर देखने को आई है, आज हम दो अच्छी बातें डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये है, इंडिया अलाउ फॉरेन लॉयर टू प्रैक्टिस इन इंडिया। तो BCI क्या होता है? BCI आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो फॉरनर लॉयर्स हैं उनको भी इंडिया में प्रैक्टिस करने की अनुमति दे दी है। प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं है कि वो सारा कारोबार सब छोड़ के भारत में आ जाएंगे और भारत के कोर्ट में जाके लड़ाई लड़ेंगे, केस लड़ेंगे, हमारा और आपका केस लड़ेंगे, ऐसा नहीं है। ये हमारे जो ह्यूमन मतलब इंडियन सिटीजन है उनके केसेस नहीं लड़ेंगे बेसिकली, ये है ना। और इनको फिजिकली अपीयर भी नहीं होना है आपको कोर्ट में आने की अनुमति नहीं है। तो फिर ये कैसे प्रैक्टिस करेंगे, क्या बातें बता रही हूँ मैं, ज़रा उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, जैसे कि कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कोई मुद्दा है, कोई कॉरपोरेट का मुद्दा है, किसी कंपनी का मुद्दा है, या फिर भारत और किसी इंटरनेशनल या किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ या किसी दूसरे देश के साथ हमारे डिस्प्यूट्स हैं, FDI को लेके कोई डिस्प्यूट्स है, तो उसके लिए उन सारे सेक्टर्स में, उन सारे ट्रिब्यूनल के केसेस में ये फॉरेन लॉयर्स जो हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनको इतनी ही परमिशन है। ऐसी परमिशन BCI ने दी है। अगर किसी और दूसरे सेक्टर में इनको प्रैक्टिस करने की परमिशन देनी है तो वो BCI डिसाइड करेगी, ठीक है ना। फिलहाल BCI ने कुछ सर्टेन केसेस में फॉरेन लॉयर को लॉयर्स जो हैं उनको प्रैक्टिस करने की अनुमति दे दी है इंडिया में, ठीक है। द बार काउंसिल ऑफ इंडिया रिलीज अ नोटिफिकेशन इन विच इट हैज़ ग्रांटेड परमिशन टू फॉरेन लॉयर्स एंड द फॉरेन लॉ फर्म्स, फॉरेन लॉयर्स को भी और फॉरेन जो लॉ फर्म्स हैं उनको भी प्रैक्टिस करने की अनुमति जो है वो भारत में दे दी है। इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं। वो रूल्स एंड रेगुलेशन ये हैं कि जो कोई भी फॉरेन लॉयर्स या फॉरेन लॉ फर्म भारत में प्रैक्टिस करना चाहती है तो उनको BCI के अंतर्गत मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उस रजिस्ट्रेशन की फ़ीस देनी पड़ेगी और जो रजिस्ट्रेशन आपने कराया है उसकी वैलिडिटी जो होगी 5 ईयर्स की होगी। 5 साल के बाद अगर आप आगे भी भारत पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराना पड़ेगा, वापस से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ऐसा BCI ने कहा है, ठीक है। फॉरेन लॉयर आर एलिजिबल नाउ टू प्रैक्टिस फॉरेन लॉ इन इंडिया, ठीक है। कई सारी फील्ड में जैसे कि इंटरनेशनल कोई लीगल इशू है, ठीक है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का कोई केस है, FDI का कोई केस है, तो उन सभी मैटर्स में ये प्रैक्टिस करेंगे। हमारे इंडियंस के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई डिवोर्स केस चल रहा है या भारत का कोई केस चल रहा है उसमें जाके प्रैक्टिस करने लगे, ऐसा नहीं है। इनके केसेस डिफाइन कर दिए गए हैं कि आप इन केसेस में ही जो है वो प्रैक्टिस कर सकेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हमारे देश में होता है उसके लेके जो भी कंसर्न होते हैं या इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के जो कंसर्न होते हैं उनको सॉल्व करने में मदद मिलेगी, पहली चीज़ तो ये है। इसके अलावा लीगल जो प्रोफेशंस हैं उनमें भी भारत में ग्रोथ देखी जाएगी, ऐसा बात BCI के द्वारा कहा गया है। और रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस उन्होंने बताई गई है और रजिस्ट्रेशन जो है वो 5 साल के लिए होंगे, उसके बाद इंडिविजुअल फर्म को या लॉयर को जो है इसे रिन्यू कराना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है, डिफेंस मिनिस्ट्री अप्रूव टू बाय बर्थ ₹70,500 करोड़ इंडिजीनियस आर्म। तो यहाँ पे पूरी तरीके से मेड इन इंडिया वेपन्स को, आर्म्स को परचेस करने के लिए मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय ने 70,500 करोड़ रुपये अप्रूव किए हैं। और भारत सरकार मतलब रक्षा मंत्रालय हमारा अलग अलग इक्विपमेंट को जो हमें ज़रूरत है, जो इंडियन आर्मी को, इंडियन नेवी को ज़रूरत है, जो मेड इन इंडिया वेपन्स हैं उनको हम यहाँ पे परचेस करेंगे। बेसिकली जो अपेक्स बॉडी है डिफेंस मिनिस्ट्री की जिसका नाम है DAC मतलब डिफेंस एक्विशन काउंसिल, जिसको चेयर कर रहे थे राजनाथ सिंह, उनके द्वारा यह फैसला लिया गया है अंडर द बाय इंडिया IDDM मतलब इंडिजीनियस डिज़ाइन डेवलप एंड मैन्युफैक्चर्ड के अंतर्गत। इस कैटेगरी के अंतर्गत हम इन प्रोडक्ट को परचेस करेंगे और सबसे ज़्यादा जो पैसा लिया गया है वो इंडियन नेवी के लिए लिया गया है, 56,000 करोड़ रुपये। इसके अंतर्गत ब्रह्मोस मिसाइल, शक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर, इन सारे चीज़ों को परचेस किया जाएगा। इसमें ध्रुव हेलीकॉप्टर को इंडियन कोस्टल गार्ड के लिए परचेस किया जाएगा, आर्टरी गन सिस्टम को यहाँ पे परचेस किया जाएगा, प्रोक्योर किया जाएगा, जो कि पूरी तरीके से मेड इन इंडिया होंगी। तो याद रखेंगे 70,500 करोड़ रुपये की ये डील हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रेसिडेंट
द्रौपदी मुर्मू अवार्डेड द प्रेसिडेंट कलर टू INS द्रोणाचार्य। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा इन्होंने हमारे भारत का जो पहला पूरी तरीके से मेड इन इंडिया हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत, उसको भी इन्होंने कोचिन शिपयार्ड में विजिट किया। अभी जो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड है ये क्या होता है और INS द्रोणाचार्य के बारे में हम कुछ बातें सीख लेते हैं। तो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड एक हाईएस्ट मिलिट्री सम्मान होता है, ठीक है ना। जो भी मिलिट्री यूनिट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करती है पिछले 25 सालों में, है ना, डेडिकेशन वर्क करती है, अपनी ब्रेवरी बताती है साइंस की फील्ड में, सर्विसेज की फील्ड में, रिसर्च की फील्ड में या किसी और फील्ड में, 25 साल का इसका अनुभव है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, तो उन्हें ये प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया जाता है। और इसकी शुरुआत 1951 में की गई थी, 1951 में की गई थी। INS द्रोणाचार्य जो है अब इसको भारत में कमीशन किया गया था 1989 में। इसको भारत में कमीशन कब किया गया था, 1989 में किया गया था इंडियन ओशियन रीजन में। इसने कई सारी ट्रेनिंग एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया है। ये जो सागर प्रहरी बल है उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, उनको ट्रेनिंग कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी INS द्रोणाचार्य के पास होती है, ठीक है। इसे इंडियन नेवी में कोची केरला में जो है इसको लोकेट किया गया था, वहाँ पे इसे कमीशन किया गया था 1989 में। और इसने कई सारी मरीन फील्ड में, कई सारे रिसर्च वर्क में भी कॉन्ट्रीब्यूट किया है, इसलिए INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं क्रिसिल की रेटिंग के बारे में। क्रिसिल इंडिया GDP टू ग्रोथ एट अ 6% इन द फाइनेंशियल ईयर 24। तो यहाँ पे जो हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल, उनकी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है। उन्होंने कहा है कि 2023-24 के लिए, भारत की जो GDP रहेगी वो 6% रहेगी, जो पिछले बार जो एक्सपेक्ट किया था उससे कम है। 2022-23 में इन्होंने कहा था कि भारत की GDP जो है वो एस्टिमेट किया था कि 7% रहेगी। ये जो रिपोर्ट इन्होंने पब्लिश की है उस रिपोर्ट को एक टाइटल भी दिया है, उस रिपोर्ट का नाम है राइडर इन द स्ट्रोम। राइडर इन द स्ट्रोम ये रिपोर्ट का टाइटल है, ट्रेसिंग इंडियाज़ ग्रोथ इन द वोलाटाइल वर्ल्ड। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि जो कॉरपोरेट रिवेन्यू है वो डबल डिजिट में ही रहेगा भारत का, और जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो एवरेज 5% रहेगा, ऐसा क्रिसिल की रेटिंग से हमको पता चल रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब कई सारे स्टेट की डिमांड आई है, क्या डिमांड आई है वो हम देख लेते हैं। स्टेट्स डिमांड कर रहे हैं कि जो आकाशीय बिजली होती है, जो लाइटनिंग होती है, उसको नेचुरल डिजास्टर डिक्लेयर किया जाए। अब इससे क्या फ़ायदा होगा और क्या नहीं होगा, आइए हम वो समझ लेते हैं, थोड़ी कहानी को समझते हैं। अभी प्रेजेंटली क्या सिनेरियो है, प्रेजेंट में जो साइक्लोन आते हैं, सूखा पड़ता है, भूकंप आया, आग लग गई, सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, लैंडस्लाइड हो गई, क्लाउड बर्स्ट हो गया, बादल फट गए, है ना, फ्रॉस्ट आ गया, कोल्ड वेव आ गई, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपके नेचुरल डिज़ास्टर की कैटेगरी में आती हैं। तो किसी भी अगर राज्य में मान लेते हैं फ्लड आ गया है, बाढ़ आ गई है, तो इसको आप नेचुरल डिज़ास्टर कहेंगे, और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फ़ंड देती है अंडर द स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड, विच इज़ अ 75% फंडेड बाय द सेंट्रल, ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हैं। तो जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं, तो किसी भी राज्य में कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो उस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए जो SDRF होता है उसको फंड अप टू 75% तक का जो फंड करने का काम करती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, क्लियर। तो यहाँ पे कुछ राज्य सरकारों की डिमांड है कि पिछले कुछ समय में कई सारी मौतें जो हैं वो लाइटनिंग के कारण, बिजली गिरने के कारण हुई है, ठीक है, कई सारी डेथ जो है वो भारत में हुई है, तो इसलिए स्टेट की डिमांड है कि लाइटनिंग को भी नेचुरल डिज़ास्टर डिक्लेयर किया जाए, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली एक कैंपेन रन हुआ था जिसका नाम है लाइटनिंग रेजिलिएंट इंडिया कैंपेन, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी, और रिपोर्ट में बताया था कि इंडिया में लगभग 18.5 मिलियन लाइटनिंग स्ट्राइक हुई है 2020 से 21 के बीच में, और लगभग 2500 इंडियन की जान गई है। सबसे ज़्यादा जो डेथ रेट है लाइटनिंग के कारण, बिजली गिरने के कारण, वो मध्य प्रदेश में है, हाईएस्ट 162, इसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ये केसेस पाए गए हैं। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि लगभग 77% फार्मर्स खरीफ क्रॉपिंग के समय, मॉनसून पीरियड के समय एग्रीकल्चर फील्ड में होते और उनके ऊपर ही लाइटनिंग हो जाती है, बिजली गिर जाती है, जिसके कारण किसानों की जान चली जाती है। इसके अलावा जितने भी एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इंडिया 2021 की रिपोर्ट है उसमें लगभग 40% जो डेथ हुई है वो नेचुरल डिजास्टर के कारण हुई है, और जिनमें से लाइटनिंग का भी प्लेस है, ऐसा डेटा हमको आया है। इसलिए लाइटनिंग को नेचुरल डिजास्टर डिक्लेयर करने की डिमांड स्टेट कर रहे हैं। अभी लाइटनिंग कैसे होती है या लाइटनिंग क्या है, तो लाइटनिंग बेसिकली जो आपका इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज
की प्रोसेस होती है, इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, एक नेचुरल फिनोमिना है ये. एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ऑफ वेरी लिटिल ड्यूरेशन एंड वेरी हाई वोल्टेज बिटवीन अ क्लाउड एंड द ग्राउंड आर विथ इन द क्लाउड. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है जो कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, लेकिन इसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है. ये जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है वो क्लाउड और क्लाउड के बीच में भी हो सकता है, क्लाउड और ग्राउंड के बीच में भी हो सकता है. ये डेंजरस तब हो जाता है जब ये इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जो हो रहा है आपका, ये ग्राउंड और क्लाउड के बीच में हो रहा है, और जब ये थंडरस्टॉर्म होता है या जब ये लाइटनिंग होती है किसी व्यक्ति पे, ये जब इसका इम्पैक्ट होता है तो उस व्यक्ति की जान चली जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली जो चार्ज का डिफरेंस है, आप क्लाउड लेवल पे देखेंगे, जो क्लाउड के लेवल में आपका ये जो चार्जेस का डिफरेंस दिख रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है और लाइटनिंग होती है. लाइटनिंग क्लाउड टू एयर हो सकती है, क्लाउड टू क्लाउड होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा डेंजरस हमारे लिए कौन सी है, क्लाउड टू ग्राउंड है. क्लियर है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं. यहाँ पर अगेन लोकसभा और राज्यसभा की, जैसे कि मैंने कहा कि अभी कार्यवाही चल रही है, तो अगेन एक क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा करते हैं. ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था कि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की तो शुरुआत की थी, कितनी सक्सेसफुल हुई है, कहाँ पहुँचे हो आप, अपने टारगेट को अचीव कर पाए हो नहीं कर पाए हो, आंसर करो. तो यहाँ पर देखिएगा, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट है साध्वी निरंजन ज्योति, उन्होंने राज्यसभा में इस क्वेश्चन का आंसर किया है. इन्होंने बताया है कि 2.18 करोड़ पूसा हाउसेस कंप्लीटेड टिल 11th ऑफ मार्च अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण. तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 11 मार्च 2023 तक 2 करोड़ 18 लाख हाउसेस जो हैं वो बिल्ड किए जा चुके हैं. हमारा जो लक्ष्य है कि हम मार्च 2024 तक जो है वो 2 करोड़ 95 लाख 2 करोड़ 95 लाख जो है हाउसेस को अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण बिल्ड कर देंगे. अभी तक हम 2 करोड़ 18 लाख हाउसेस को बिल्ड कर चुके हैं और बेनिफिशरीज तक पहुंचा चुके हैं, ये बात इन्होंने बताई है. अब प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री आवास योजना का पुराना नाम इंदिरा आवास योजना था और इसको 2016 में जो है वो रीनेम कर दिया गया था. तो इन जनरल आप कह सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी, जिसका मकसद था हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022. तो 2022 तक हर एक व्यक्ति को घर की सुविधा मुहैया कराना इसका उद्देश्य था. ठीक है, हालांकि हम अपने टारगेट से, अपने लक्ष्य से थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड. इसके अलावा ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना थी, इसके दो कंपोनेंट थे. कौन कौन से दो कंपोनेंट थे? एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण था और दूसरा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी था. क्लियर, चलो नेक्स्ट बात करते हैं. अब ये अच्छा बिल यहाँ पे लोकसभा में आया है. इस बिल को मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस अजय भट्ट के द्वारा लोकसभा में प्रेजेंट किया गया है. इस बिल पे हमें थोड़ी सी चर्चा करनी चाहिए. बिल पे डिस्कशन करने से पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देती हूँ. आप लोग हमारी तीनों सेवाओं के बारे में जानते हैं, इंडियन आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन नेवी है. इन तीनों सेनाओं के अपने कमांडर इन चीफ होते हैं और इन कमांडर इन चीफ के पास अपनी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव और कुछ डिसिप्लिनरी पावर्स भी होती हैं. कि जैसे कि इंडियन आर्मी का कोई पर्सनल है, कोई कर्मचारी है, अगर उसका कोई मामला है तो कमांडर इन चीफ अपने पावर्स का यूज़ करके उसको सॉल्व कर सकता है. क्लियर है, लेकिन हमारी जो जॉइंट अगर कोई कमांडर है या फिर जो ट्राई सर्विसेज कमांडर है या जैसे कि अंडमान एंड निकोबार कमांड आते हैं या कई ऐसे जॉइंट आपके कमांड्स आते हैं, तो उनके जो कमांडर इन चीफ हैं या ऑफिस इन कमांड है, उनके पास ऐसी कोई पावर नहीं है. फिलहाल तो अभी तक इनके पास ऐसी कोई पावर नहीं थी. तो उनका कोई भी विवाद है, कोई डिस्प्यूट है, तो उसमें क्या होता था, मान लेते हैं अंडमान एंड निकोबार जो कमांड है उसकी कोई एक यूनिट है, उसकी एक यूनिट है, उसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तीनों के पर्सनल इसमें काम कर रहे हैं. अब इनका कोई मामला है, इनका कोई विवाद है या कोई इनका डिस्प्यूट है या इनके, तो इसको सॉल्व करना है, तो इस यूनिट का जो कमांडिंग ऑफिसर होगा उसके पास ना ही डिसिप्लिनरी पावर्स होती हैं ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती हैं. तो उस केस में क्या होता है, अब इंडियन नेवी वाला जो व्यक्ति है वो इंडियन नेवी के पास जाएगा, इंडियन आर्मी वाला आर्मी के पास जाएगा और एयरफोर्स वाला एयरफोर्स के पास जाएगा, और उसके बाद तीनों का मैटर सेम है क्योंकि एक ही यूनिट के सदस्य थे, लेकिन तीनों के मैटर की फिर अलग अलग सुनवाई होगी, अलग अलग तरीके से फिर जजमेंट आएंगे. इससे क्या हुआ, एक तो आपका टाइम भी कंज्यूम हुआ, आपके पैसा भी कंज्यूम हुआ. तो क्यों ना ये जो आपकी यूनिट है, क्यों ना आपकी ये जो यूनिट है अंडमान एंड निकोबार कमांड यूनिट, इसका ही जो कमांडिंग ऑफिसर है या ऑफिस इन कमांड है, इसके पास ही हम डिसिप्लिनरी पावर्स दे दें, जिसके कारण आपका टाइम भी बचेगा और आपके पैसे भी बचेंगे. तो इसी से रिलेटेड ये लॉ पास किया गया है. थोड़ी बहुत बात समझ में आई,
क्योंकि कई सारी हम ऐसी यूनिट बिल्ड करते हैं जिसमें तीनों सेनाओं के सोल्जर्स या ट्रूप्स होती हैं, यू नो, और वो तीनों सेनाओं की जो ट्राई सर्विसेज हैं वो तीनों कमांडर साथ में काम करते हैं, होता है ना ऐसा? तो उसी के लिए ये बिल यहाँ पे बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया है, जिस बिल का नाम है इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023। तो लोकसभा में रिसेंटली इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 अजय भट्ट के द्वारा रखा गया है। ये जो बिल है ये हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर हैं ट्राई सर्विसेज के, उनको पावर देता है, उनको मजबूती से काम करने की शक्ति देता है। सो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस बिल इन लोकसभा टू स्ट्रेंथ अप ट्राई सर्विस कमांडर्स पावर। सरकार ने तीनों सेनाओं के कमांडरों की शक्ति को मजबूत करने के लिए लोकसभा में विधेयक को पेश किया है। इससे जो आपकी इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन या ट्राई सर्विस कमांड्स हैं, चाहे वो कमांडर इन चीफ हो या चीफ इन कमांड्स हो, उनको आप एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और आप उनको डिसिप्लिनरी पावर्स यहाँ पर देते हैं। इससे डायरेक्टली जो इफेक्ट आएगा वो किसे मिलेगा, डायरेक्टली जो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा वो अंडमान एंड निकोबार कमांड्स, डिफेंस स्पेस एजेंसी, ज्वाइंट ट्रेनिंग सेटअप्स, नेशनल डिजास्टर डिफेंस अकेडमी को डायरेक्टली फायदा होगा। प्रेजेंटली क्या सिनेरियो है, प्रेजेंटली देखिएगा, इंडिया में करेंटली दो यूनिफाइड कमांड है, एक है अंडमान निकोबार कमांड जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी, और दूसरी है स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड जिसकी स्थापना 2003 में हुई थी, जो आपका कारगिल के साथ हमारी लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ, और कारगिल बैटल जो हुआ था 1999 में, उसके बाद इसको सेटअप किया गया था। इसके अलावा हमारे कई ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है, डिफेंस साइबर एजेंसी है, डिफेंस स्पेस एजेंसी है। इसके अलावा हमारी 17 सिंगल सर्विसेज कमांड भी हैं, ठीक है ना, जो कि प्लानिंग और ऑपरेशन में मदद करती हैं। इन सब के जो ऑपरेशन रन हो रहे हैं अभी फ़िलहाल, तो वो एयरफोर्स एक्ट 1950, आर्मी एक्ट 1950 और नेवी एक्ट 1957 के अंतर्गत इनके जो है वो अभी ऑपरेशंस रन होते हैं। ये जो ट्राई सर्विसेज कमांड है, ये सब जो है ना, इनके जो कमांडर होते हैं या इनके जो ऑफिसर्स होते हैं, इनके पास कोई भी पावर्स नहीं होती, तो ये जो कोई भी मुद्दा होता है इसको सॉल्व करने में काफ़ी समय लगता है। इसलिए यहाँ पे अब इस बिल को इंट्रोड्यूस करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक पावर आ गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर सेटअप करेगा, और इस इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में ये जो ट्राई सर्विस कमांड्स हैं इनके ही ऑफिसर्स या पर्सनल्स इसमें होंगे, जिससे आपके मैटर को सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी। क्योंकि अभी ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड होती है, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन इसमें देखने को मिलते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम को इस प्रपोजल के बाद सॉल्व किया जा सकेगा। तो यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि आखिरकार ये इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बिल जिसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है वो है क्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी ग्रीट सिख कम्युनिटी ऑन कॉमेंसमेंट ऑफ नानकशाही सम्मत। अभी नानकशाही सम्मत क्या है, नानकशाही सम्मत की शुरुआत होने की बधाई सिख कम्युनिटी को प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा दी गई है। तो आइए हम इस नानकशाही सम्मत के बारे में बात करते हैं। गुरु नानक देव के बारे में आप लोग जानते हैं, सिखिज्म के, सिख धर्म के फाउंडर जो हैं वो गुरु नानक देव जी हैं, ठीक है। तो गुरु नानक देव जी की 500 नंबर की बर्थ एनिवर्सरी थी, और उस पर ही 2003 में नानकशाही सम्मत की शुरुआत की गई थी। नानकशाही सम्मत या कैलेंडर की शुरुआत जो है वो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा की गई थी। आप लोगों ने विक्रम सम्मत, सख सम्मत के बारे में सुना होगा ना, तो वैसे ही यहाँ पे नानकशाही सम्मत है या आपका सिख कम्युनिटी का एक कैलेंडर है, ठीक है ना, जो कि ट्रॉपिकल सोलर कैलेंडर है जो कि सिखिज्म में यूज़ होता है। इसके द्वारा ही, इस कैलेंडर के द्वारा ही जो पवित्र दिन होते हैं कि गुरु नानक देव जी की जयंती कब है, या अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस कब है, या खालसा पंथ की शुरुआत कब हुई थी, तो जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो इसी सम्मत से या इसी कैलेंडर से पता चलती हैं। और इसकी शुरुआत जो है वो चैत्र महीने में होती है, जो कि हो गई है। इसलिए नानकशाही सम्मत की जो बधाइयाँ हैं पूरे वर्ल्ड की सिख कम्युनिटी को प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा दी गई हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक कतर में पहला बैंक बन गया है जिसने UPI सर्विसेज की शुरुआत की है रेमिटेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक फर्स्ट इन कतर टू लॉन्च UPI रेमिटेंस सर्विस टू इंडियन। रेमिटेंस क्या होता है, मैंने आपको कई बार पहले भी बताया है, जो भारतीय विदेशों में रहते हैं तो विदेशी मुद्रा को भारत में भेजते हैं, या विदेशों से जो पैसा भारत में भेजते हैं उसे ही हम रेमिटेंस कहते हैं। तो यहाँ पे कमर्शियल बैंक, अ डिजिटल बैंक इन कतर, हैज़ अनाउंस टू लॉन्च अ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, मतलब UPI रेमिटेंस सर्विस टू इंडिया, ठीक है। ये पहला ऐसा बैंक बन गया है कतर में जिसने इस UPI सर्विसेज की शुरुआत की है, जिससे 60 सेकंड में 24/7 आप 60 सेकंड के अंदर जो रेमिटेंस है, जो पैसा है, वो इंडिया में भेज सकते हैं। क्लियर।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब यहाँ पे। अच्छा, इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो लोकसभा और राज्यसभा में जो भी अभी डिस्कशन हो रहा है या कोई बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है, कोई स्कीम के बारे में रिटर्न स्टेटमेंट पब्लिश हो रहे हैं, अगर आप इन सबको जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो ही मैं इस तरीके की न्यूज़ को लेकर आऊँगी। अदरवाइज़ हम इन न्यूज़ को स्किप कर देंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी स्कीम अगर न्यूज़ में होती है या लोकसभा या राज्यसभा में डिस्कशन हो रहा होता है तो वो स्कीम कब शुरू हुई थी या उस स्कीम का फुल फॉर्म क्या है या किस से रिलेटेड स्कीम है, किस मंत्रालय की स्कीम है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। इसलिए सारी स्कीम जो भी लोकसभा या राज्यसभा में रिटर्न में स्टेटमेंट आ रहे हैं, आंसर्स आ रहे हैं, उन स्कीम्स को मैं डिस्कस कर रही हूँ। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, अदरवाइज हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। क्लियर? तो रीच आउट स्कीम, अभी रीच आउट स्कीम डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा, देखो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रीच आउट स्कीम किस मंत्रालय की स्कीम है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू की गई है, रीच आउट स्कीम किस सेक्टर में काम कर रही है, और रीच आउट स्कीम जो है इसमें रीच आउट का फुल फॉर्म क्या है। तीन क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन सकते हैं, तो आइए इस पे हम चर्चा करते हैं। तो रीच आउट स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा, और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है वो बेसिकली अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह देख रहे हैं, ठीक है। उनके द्वारा रीच आउट स्कीम की शुरुआत की गई थी। रीच आउट का मतलब होता है रिसर्च एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आउटरीच, ठीक है। रिसर्च एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आउटरीच जो है वो रीच आउट का फुल फॉर्म होता है। इसकी कई सारी सब स्कीम्स भी होती हैं, जैसे कि R&D इन अर्थ साइंस, अर्थ सिस्टम साइंस, इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर ऑपरेशन ओशनोग्राफी, प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्किल मैन पावर इन अर्थ सिस्टम साइंस। बेसिकली ये स्कीम क्या है, तो यहाँ पर ये स्कीम R&D जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है उनको प्रमोट करती है। कि जैसे अभी हमको कुछ समय पहले पता चला जब अर्थक्वेक आया आपका टर्की सीरिया में, तो हमको पता चला कि एक पांचवी नंबर की लेयर भी है अर्थ का, एक इनर कोर भी है जिसके बारे में हमें जानकारी हुई। तो जो अर्थ सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं उनमें रिसर्च करना है ना, इसके जिससे हम अपने नेशनल गोल को अचीव कर सकें। अगर आप रिसर्च करोगे तो आप इंटरनेशनल लेवल पे भी अपना स्टेटस मजबूत कर पाओगे, अपने हाथ पकड़ मजबूत कर पाओगे, और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है या दूसरी कंट्रीज़ के साइंटिस्ट हैं उनके साथ भी आप अपनी रिसर्च को और उनकी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाओगे, अपनी रिसर्च को उनके साथ शेयर कर पाओगे। जब आप रिसर्च करोगे ही नहीं तो आप कैसे पता चलेगा कि हमारे देश के साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं या हमारी क्या अचीवमेंट है, हमारे क्या गोल्स हैं, राइट? तो यहाँ पर इसलिए ये रीच आउट प्रोग्राम की शुरुआत मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत की गई है। क्लियर? तो ये आज की हमारी न्यूज़ थी, और भी न्यूज़ हैं जिनको हम कल डिस्कस कर लेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही। ये हमारी हेडलाइंस थी जिनके बारे में हमने डिस्कशन किया। ये वो चार पर्सन हैं जो रिसेंटली न्यूज़ में थे आज के दिन, ठीक है। आप इन चारों पर्सन्स के नाम याद रखेंगे, जिनमें से ये TCS की अपॉइंटमेंट होगा, यूको बैंक की अपॉइंटमेंट होगा, ये अपॉइंटमेंट थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इनके नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये आपकी हेडलाइंस हैं, ये हेडलाइंस आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। अगर आप करंट अफेयर्स का PDF लेते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, आप बिल्कुल ले सकते हैं। अदरवाइज आप नोट्स भी बना सकते हो, रिविज़न करने में भी आपको थोड़ी आसानी यहाँ से हो जाएगी। क्लियर है? चलिए अंत में बात करते हैं हम कुछ रिवीजन क्वेश्चंस के बारे में। सो पहला क्वेश्चन है, थर्ड दिव्य कला मेला की शुरुआत कहाँ पे की गई? तो आंसर हो जाएगा भोपाल में, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में थर्ड दिव्य कला मेला की शुरुआत की गई। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च लर्निंग साइंस बाय अ स्टैंडर्ड? तो लर्निंग साइंस बाय स्टैंडर्ड सीरीज की शुरुआत स्टूडेंट के लिए किसने की है? तो आंसर हो जाएगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कितने देशों को वॉस्ट्रो अकाउंट खोलकर जो ट्रेड सेटलमेंट है वो इंडियन रुपी में करने की परमिशन दी गई है? तो आंसर हो जाएगा 18 कंट्रीज है, 18। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, तबलेश पांडे और एम जगन्नाथ को किस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है? तो आंसर हो जाएगा LIC जीवन बीमा कंपनी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सिलिकॉन वैली बैंक पे आई थिंक आप लोगों ने सेपरेट वीडियो देख लिया होगा, इस वीडियो को मैंने परचम वॉल्यूम 2 पे अपलोड किया था, उस पर मैंने बताया था क्या रीज़न है सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स होने के। तो सिलिकॉन वैली बैंक के CEO के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा चिप मियोपोलिस को चुना गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो शक्तिकांत दास जो कि RBI के गवर्नर है उन्हें दिया गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कंपनी हैज़ अनवील्ड इट्स न्यू एंड मोर एडवांस मॉडल कॉल्ड GPT-4? तो GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा ओपन AI। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे, विच इंस्टीट्यूट लॉन्च ATL Sarthi
फ्रेमवर्क की शुरुआत किसने की है, आरबीआई, सेबी, नीति आयोग या फिर बीएसई? आपका जो भी आंसर है वो आप हमें कमेंट में बताइए। इसके बारे में मैंने आपको कल के करंट अफेयर्स में डिस्कशन किया था। क्लियर, सही आंसर आप हमें कमेंट में देना, रिप्लाई भी मैं आपको वहीं पे कमेंट में कर दूंगी। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, आई होप आप लोग ने एंजॉय भी किया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही कुछ नए और इंटरेस्टिंग करेंट अफेयर्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखेंगे, टेक केयर एंड बाय बाय।